स्काई मीडिया पॉडकास्ट आपको लेके जा रहा है धारावी की चौड़ी छोटी गलियों में, जहां हर एक चौकट पर एक कहानी होती है। इन्हीं एक छोटी गलियों के एक चौकट पर मिलते हैं पीर अशरफी से। पीर अशरफी है भाई। आपकी उम्र? 37। आप कहाँ से हो? हजारीबाग, झारखंड। आप यहाँ पे कितने साल से हो? मैं करीब 13-14 साल हो गया यहाँ पे आए हुए। अच्छा लगता है, फंटास्टिक है। ये तो मुंबई महानगरी है यार, इस यहाँ तो लोग इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं और ऑलरेडी हम तो इस इंटरटेनमेंट में ऑलरेडी बसे हुए हैं मुंबई के दिल में। क्या आपको गाना पसंद है? गाना सुनना भी पसंद है और गाना भी पसंद है यार। क्या गाएंगे? तो गाँव में धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तुमसे प्यार हमें है कितना जान जाना। ओ धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तुमसे प्यार हमें है कितना जान जाना। तुमसे मिलकर हमको है ये बताना, तुमसे प्यार हमें है कितना जान जाना। क्या बात है। एक आखिरी सवाल है। ओके। अगर आपको अपनी एक विश पूरी करनी है तो आप क्या करते थे? विश पूरी करनी हो तो क्या करना, मतलब विश तो बहुत सारे हैं यार, एक विश तो है नहीं अपने। एक खास विश जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी, आप क्या करते थे? मुझे पीएम बना दो यार इंडिया का। ठीक है, तो आप अगर समझ लो मोदी जी की जगह पे तो आप क्या करते थे? मैं ये सब जो खुराफाती हो रही है, ये सब हिंदुस्तान के अंदर जो इतने सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, इतने सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो टेंशन बना हुआ है, सबसे पहले तो मैं उसके ऊपर पूरी कोशिश करता कि वो रुक जाए, जिससे मेरा हिंदुस्तान जाना जाता है, जिस सभ्यता के लिए जाना जाता है, वही चीज़ मैं इस हिंदुस्तान में लाता, भाईचारे को बढ़ाता। इस मुल्क को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, इस मुल्क में भाईचारे की जरूरत है। किसी से क्या, बस पूरी दुनिया से मैं प्यार करता हूँ, पूरी दुनिया मुझे भी प्यार करे, बस और क्या। तो आपने सुना पीर अशरफ की जुबानी, जो आज की आशा में कल की उम्मीद रखते हैं। लेकिन ये आशा और ये उम्मीद आती कहाँ से? ये आशा और ये उम्मीद आती है अपने आजू बाजू का ख्याल रखने से। तो चलिए हम भी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और हमारे पॉडकास्ट सुनने के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।